550 प्रकाश पुरब में लैके एक दिन के सैशन के हुण लंच का समा हो चुका। साडे नाल इत्थे हरपाल चीमा ने। चीमा साहब, सब तो पहला सैशन की जिस तरीके शुरुआत हुई सैशन दे विच, उपराष्ट्रपति देश दे उन्होंने संबोधन किया, उस तो बाद मुख्यमंत्री ने सब का स्वागत किया, लंच लई इनवाइट किया, किस तरीके दीआं चर्चावां हुण इस पूरे सैशन दे विच तुसीं कर? मैं समझदा जिहड़ा अज दा सैशन है सिर्फ 2 घंटे का सैशन सी। मेरी स्पीकर साहब तो मंग सी कि भी 3 दिन का होना चाहिए, क्योंकि गुरु नानक देव सिख्यावां कोई बहुत छोटिया नहीं, बहुत बड़िया सिख्यावां ने पूरे संसार नूं उन्होंने देना, पूरे सिख जगत नूं देना, पूरे पंजाबियों नूं देना। सो बहुत छोटा होया, बहुत छोटिया चर्चावां होईयां, लंबिया होनी चाहीदियां सी, क्योंकि जगत गुरु ने एक संदेश दुनिया नूं दित्ता होयागा। सो मैं समझदा हाले भी जिहड़ा लेटर पार्ट आ उह 'च लंबियां जिहड़ियां हैगियां ने डिस्कशन होनी चाहीदियां ने, विचार वटांदरा होना चाहीदा, तां कि जिहड़ी साडी अज्ज असीं 21वीं सदी 'च भी आ के आ, 550 साल पहलां गुरु नानक देव जी जो कहा सीगा, सौ क्यों मंदा आखिया जित जमे राजान, औरत बारे गल कीती सी, अज उस औरत दे लई मैं समझदा रिजर्वेशन दे बिल जिहड़े है साडी पार्लीमेंट 'च पेंडिंग पए ने, अज उहनूं रिजर्वेशन दे रहे हां, जबकि होना बहुत उच्चा दर्जा चाहीदा सी, सब मनुख दे आदमी दे बराबर होना चाहीदा सीगा। उस औरत नूं जिहड़ी मनुखता जन्म दिंदी आ, मनुख नूं शुरुआत करवाउंदी आ, मैं समझदा अज्ज बहुत पिछे आ। सो ये सारिया गल्लां चर्चा होनी चाहीदी सी पर नहीं हुई। सो मैं देखदा कि अगले जिहड़ा पार्ट सैकंड पार्ट आ उस किन्नी चर्चा होंदी है। हाले तो सैशन पिया, हाले तक तुम 2 घंटे के सैशन की गल कर रहे हो, लेकिन सैशन की शुरुआत हाले 2:30 बजे तो होनी, हाले तक तो पूरा दिन है, डबल सीटिंग है, की मुद्दे चकन जा रहे? जी सैकंड जी हैगी सिर्फ तो सिर्फ एक रेजोल्यूशन आना गया, रेजोल्यूशन आने तो बाद चर्चा होनी है, रेजोल्यूशन तो बाद जो है एक जगत गुरु गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी की चर्चा होनी है। सो इस तो बिना कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं है। सो मैं इसे गल करके स्पीकर साहब तो मांग की सैशन जो 3 दिन का होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली मैं समझदा कि पंजाब सरकार या स्पीकर साहब जोड़े है कि वो इंटेंशनली जानबूझ के स्पीकर जोड़ा है सैशन का समा नहीं बिता चाहते या सैशन लंबा नहीं करना चाहते। इतों पता लगता कि पंजाब सरकार जी है लोगों दस्यावान से चर्चा करने तो भज रही है, लगता नहीं है चीमा साहब, क्योंकि सैशन अगर 3 दिन का कर दिए तो 9 तरीक न पूरे समागम होने करतारपुर साहब के या फिर अपने इधर सुल्तानपुर साइड से पंजाब सरकार ने तैयारियां करनी, सारे MLA उत्थे व्यस्त ने, 3 दिन का सैशन किस तरीके पॉसिबल हो सकता? देखो ये जिहड़ा सैशन आ 6 नूं बुलाया, सैशन पहले 5 नूं बुला लेंदे, 4 नूं बुला लेंदे, मैं तो उदू पहला क्या किया सैशन लंबा होना चाहिए सीगा, ये गल नहीं हैगी भी आप 2 घंटे कोई कम समेटना गा जां घंटे च फॉर्मैलिटी नहीं करनी। लगता कि मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए सी जिहड़े एक दिन? देखो ये एक तरह ये सैशन जिहड़ा फॉर्मैलिटी की है बेशक कि बहुत अच्छी गल है, पर लेकिन फॉर्मैलिटी है। मैं समझदा किसानों ते पंजाब दे नौजवानों ते पंजाब दे औरतों ते पंजाब दे हरेक वर्ग ते चर्चा चाहिए आ। सैशन चीमा साहब वो सैशन नहीं हैगा, ये सिर्फ प्रकाश पुरब नूं लैके जो सैशन प्रोग्राम कराए जाने उस नूं लैके बुलाया जा रहा, सरदरों ते इजलास नहीं हले। मैं उही गल कह रहा ना, 550 नूं समर्पित हैगा, पर लेकिन जिहड़ा सैकंड हाफ आ जिहड़ा विधानसभा दा सैशन आ उहदे च बिल आउणगे, जदों बिल आउणगे ते चर्चा भी जरूरी चाहीदी, होरां मुद्दिआं ते भी चर्चा होणी चाहीदी। सारे कर रहे ने, तुसीं विरोधी धर दे नेता हो, बड़ी अहम भूमिका थोड़ी विधानसभा दे विच, सारे लंच कर रहे ने, सारे इत्थे बैठे, चाहे वह हरियाणा दे लीडर होण, पंजाब दे लीडर होण, लोक सभा दे मैंबर होण, सारे बैठे हुए ने, तुसीं क्यों नहीं? मैं भी लंच कर रहा, मैं तुहाडे कोल आ गया, सो इस करके कोई खास गल नहीं, मैं लंच कर रहा। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਲੇ 2:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ MLAs ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੈਨੀ ਸਵੇਰਾ TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।